हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि गाइस हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। हम लोगों का टेंस क्या हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद किसकी बारी आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बारी आती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो परफेक्ट मतलब आपको हमने बताया था क्या होता है, पूर्ण होता है। तो परफेक्ट मतलब पूरा, और कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, लगातार। अर्थात हम कह सकते हैं निरंतर, पूर्ण निरंतर भूतकाल। इस टेंस का अध्ययन हमें आज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या आते हैं, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन। गाइज मैंने आपको बताया था ना कि जस्ट कंसंट्रेट ऑन वन आइडेंटिफिकेशन। केवल एक आइडेंटिफिकेशन आपके कॉन्सेप्ट में आ जाए, केवल एक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो इसका मतलब है कि नियरली आप पूरे ग्रामर की आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इनडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, अगर इनडिफिनिट की आइडेंटिफिकेशन आपने क्लियर किया तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट तीनों सेंटेंसेस के, वो चाहे प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, तीनों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे आप माइंड कीजिएगा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि किन्हीं चीज़ों का मिश्रण, तो विज्ञान की भाषा में वो हो जाता है। लेकिन हमारा भी कंडीशन वही है, एक सेंटेंस होता तो हम उसको एक ही पढ़ते, लेकिन यहाँ एक के साथ दो है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, इसलिए इसकी थोड़ी सी पहचान डिफरेंट हो जाती है, इसका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन अलग हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करते हैं। क्या होता है, वेन, रहा था, रही थी, रहे थे, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए हमने क्या बताया आपको, मैं बता के भी लिखा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने देखा किसी ने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया कि सर आप गलत कर रहे हैं। मैंने गलत लिख करके रखा, फिर भी किसी ने रोका नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सुनने का काम कर रहे हो, सुनना नहीं है गाइस। जो आपको गलत लगे उसे कमेंट बॉक्स में, उसे मैसेज करके सामने से आप रोको कि सर यहाँ गलत हो रहा है। देखिए यहाँ क्या गलत हो रहा है, कि हमने क्या बताया, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यू मतलब लगातार। जब पूर्ण किसी कार्य के पूरा होने का भाव हो और कार्य जारी अवस्था में भी हो तो समय का बोध जरूर होगा। तो आप बताइए इसमें हमने कई टाइम को लिखा है, क्या लिखा है, कि लास्ट ऑफ वर्ब देन वी शैल नो इट इज, देन वी शैल नो इट इज क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहीं पे आपने गलती किया है और जहां पे आपने रोका नहीं, क्या, कि इन द लास्ट ऑफ वर्ब विथ टाइम, क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे हम लिखेंगे विथ टाइम। जब तक हम इसमें टाइम की बात नहीं करेंगे, वाक्य आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो ही नहीं सकता। क्या है, अगर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करनी है तो टाइम को इंक्लूड करना आपके लिए कंपलसरी है, लास्ट ऑफ वर्ब विथ टाइम देन वी शैल नो इट इज, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान आपकी जो होगी वह सही होगी, क्यों, क्योंकि अब देखिए आप, हमने क्या यूज कर लिया है, विथ टाइम, और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम दो हो सकते हैं, या तो निश्चित होगा या फिर अनिश्चित होगा। निश्चित होगा तो हमें क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है, अनिश्चित होगा तो फॉर यूज करना है। तो अब आपके सामने स्ट्रक्चर्स रेडी है, आपका आइडेंटिफिकेशन रेडी है गाइस। इसी एक टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, औरों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंस पहचान होता है, क्योंकि इसमें टाइम इंक्लूड किया जाता है, काम को पूरा होने का भी भाव होता है, समय भी बताया जाता है, इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, तथा अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, वह सुबह से
अपना पाठ याद कर रही थी। ओके गाइस, नाउ माइंड अबाउट, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही थी। अगर आपका यही सुबह से इस सेंटेंस से डिलीट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए या इसको लिखा ही ना जाए, तब ये टेंस आपका कहाँ चला जाएगा आपको पता है? ये सीधा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बजाय कॉन्टिन्यूअस में रिवर्स कर जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएगा। अगर होता हुआ सुबह अपना वह अपना पाठ याद कर रही थी तो ये कहाँ पहुंच जाता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि वह सुबह से, टाइम बता दे रहे हैं कि कब से पढ़ रही थी, सुबह से। तो आप कौन पढ़ रहा था? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पढ़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। सी के साथ क्या लगेगा आपका? इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है गाइस? इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। सी हैड बीन। कर क्या रही भैया? याद कर रही। याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न होती है। तो लर्न में क्या लगेगा? आई एन जी। सी हैड बीन लर्निंग क्या? अपना पाठ। अब सी के साथ क्या लग जाता है? हर। और पाठ के लिए क्या लग जाएगा? लेसन। ठीक है, सी हैड बीन लर्निंग हर लेसन। कब से पढ़ रही है भैया? टाइम बताया जा रहा है सुबह से। सुबह क्या होता है, दिन में एक बार कि दो बार? एक बार होता है ना, तो यानी कि निश्चित है। तो हम क्या करेंगे, सिंस। सिंस के बाद क्या करेंगे? मॉर्निंग। इज दैट क्लियर? जैसे हम निगेटिव पे आ जाते हैं, निगेटिव की बात करते हैं, जैसे वे बाजार में आपके साथ कल से पान नहीं खा रहे थे। ओके गाइस, नाउ माइंड हियर, वे बाजार में आपके साथ कल से पान नहीं खा रहे थे। तो कौन नहीं खा रहा था? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो दे हो गया। अब चूंकि इस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन, दो सहायक क्रिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब सहायक क्रिया एक से अधिक हो जाती है तो हमें क्या करना होता है, सहायक क्रिया के बीच में नॉट लगा देना होता है। तो दे के साथ हम लगाएंगे हैड प्लस नॉट। उसके बाद क्या करना है, बीन। दे हैड नॉट बीन। कर क्या रहे हैं गाइस? खा रहे हैं ना। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? खाने की इंग्लिश होती है ईट। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या पान को भी खाया जाता है? पान को खाया नहीं जाता बल्कि चबाया जाता है। तो चबाने की इंग्लिश क्या होती है? चीव होती है। क्या होती है? चीव। चीव मतलब चबाना। तो सी हैड बीन चीव। फिर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि वर्ब में हमें क्या करना है, आई एन जी लगाना है। तो सी हैड बीन चीविंग। क्या चीविंग कर रही है? पान। पान की इंग्लिश क्या होती है? बेटल। बेटल। सी हैड बीन चीविंग बेटल। ठीक है, किसके साथ में? आपके साथ में। विथ यू। विथ यू कब से? कल से। तो कल एक आने वाला होता है, एक बीता हुआ होता है, इसलिए यहां क्या लगता है, फॉर। फॉर के बाद यस्टरडे। ठीक है, जैसे हम उसको 2 वर्ष से क्यों पढ़ा रहे थे? ठीक है, हम उसको 2 वर्ष से क्यों पढ़ा रहे थे? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्यों है? तो हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई। और उसके बाद सहायक क्रिया का पहला पार्ट वाई हैड। फिर कौन पढ़ा रहा है, हम। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड वी बीन। कर क्या रहे भैया, पढ़ा रहे। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच में क्या करेंगे, आई एन जी ऐड करेंगे। तो वाई हैड वी बीन टीचिंग। हम क्यों पढ़ा रहे थे, किसको, उसको, हिम। कब से, 2 वर्ष से। अब 2 वर्ष में कौन सा वर्ष है, क्लियर नहीं है, तो फॉर 2 ईयर। ठीक है, जैसे शिकारी जन्म से
जंगल में क्यों नहीं रह रहा था? ओके, शिकारी जंगल में जन्म से क्यों नहीं रह रहा था? तो कौन नहीं रह रहा है? शिकारी। लेकिन उससे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम उसको ले आके बाहर लिखेंगे क्या, वाई। उसके बाद शिकारी की इंग्लिश क्या होती है, हंटर। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड, तो हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे। हैड के बाद क्या करेंगे, हंटर। वाई हैड हंटर। फिर क्या बता रहा है आपका स्ट्रक्चर, बता रहा है कि हंटर के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद क्या करना है, बीन लगा देना है। तो वाई हैड हंटर नॉट बीन, कर क्या रहा है भैया, जंगल में रह रहा है। रहने की इंग्लिश क्या होती है, लीव होती है। लीव मीन्स रहना होता है, तो लिविंग हो जाएगा। वाई हैड हंटर नॉट बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है भैया, जंगल में रह रहा है ना, इन फॉरेस्ट। वाई हैड हंटर नॉट बीन लिविंग इन फॉरेस्ट, कब से रह रहा है, जन्म से। तो जन्म अनिश्चित है कि निश्चित है, निश्चित है ना, तो निश्चित है तो क्या लगेगा, सिंस, क्या लग जाएगा, सिंस। अब उसके बाद जन्म की इंग्लिश क्या होती है, बर्थ। इज दैट क्लियर गाइस, समझ में आया, आई होप, आई सो डेफिनेटली यू हैव गॉट सक्सेस अबाउट दिस सेंटेंस, एंड इफ यू हैव गॉट सक्सेस ऑफ दिस सेंटेंस देन डेफिनेटली सेंड अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स एंड गिव मी योर रिएक्शन इफ यू आर गेटिंग प्रॉपर एंड यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर गेटिंग acquirement, if you are getting a power on your statements, then just try to reply in comment box and I would like to definitely try to solve your any kinds of doubts if you will send me message. So I am waiting for your comments. So firstly, who has opened this channel, जिन्होंने पहली बार इस चैनल को खोला है, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि गाइज हम उसमें परिवर्तन कर सके। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जा सके, आपके डाउट्स क्लियर किए जा सके। तो आपके इस सहयोग के उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम कल आपके इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट टू।